रायगढ़ में कोविड सेंटर की बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिली, जहां कोविड केयर सेंटर में एडमिट एक महिला का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। वहीं जब इस बात की जानकारी महिला के परिजनों को मिली तो उन्होंने क्रॉस चेक किया और पाया कि महिला ठीक है और उसका सेंटर में ही इलाज चल रहा है। परिजन के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आनंद फानंद में अपनी गलती सुधारते हुए परिजनों से माफी मांगी। पे चूंकि नया KIT चालू हुआ है और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा पेशेंट अचानक भी भर्ती हुए हैं, थोड़ा सा मेन पावर का था और वो टूटी बस ही नाम दूसरा लिखा गया था और इसलिए ये हुआ था, लेकिन उसको सुधार लिया गया था और भविष्य में इस तरह गलती ना हो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो चूक हो रही है उसको भी ठीक करेंगे। ये बहुत संवेदनशील मामला है, जिस परिवार के साथ घटना घटी है तो परिवार ही जानता है कि कितनी बड़ी गलती प्रशासन ने की है। प्रशासन को इस मामले में बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। प्रशासन की चिंता बहुत कमज़ोर है और प्रशासन के द्वारा ऐसे कई मामले सामने में आ रहे हैं। दो दिन पहले भी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ इसी घटना के कारण हुई, एक जगह डेथ हो गई थी। इस मामले में भी डेथ का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जबकि वर्तमान में महिला